नमस्कार, मैं प्रिया। आज 16 नवंबर, चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। टीएमसी में नौकरी पाने का मिला सुनहरा मौका, नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना। टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई ने भारतीय नागरिकों से डिस्पेंसरी परचेज ऑफिसर समेत कई पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार टीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट tmc.gov.in पर करियर सेक्शन पर भर्ती के नोटिफिकेशन की जानकारी ले सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार 20 नवंबर 2020 तक टीएमसी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, योग्य उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा या साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। आज नीतीश कुमार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर मुहर लग गई है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बिहार की जनता की सेवा करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। आज वो सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार को एनडीए के नेता के रूप में चुन लिया गया है। इसकी आधिकारिक घोषणा राजनाथ सिंह ने कर दी है। कुछ मंत्री भी उनके साथ शपथ लेंगे। इसके अलावा राजभवन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री के पद पर अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है, जिसके बाद बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर बैठक का आयोजन करवाया गया था। अररिया के रेप्लिका स्तूप में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। रेप्लिका स्तूप, यह अररिया जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर मनिकपुर के पास स्थित है, जो फोर्ब्सगंज की ओर जाता है। इनके अलावा भी यहां पर कई महत्वपूर्ण मंदिर मौजूद है जिनका भ्रमण किया जा सकता है, जैसे 6 मंजिला काली मंदिर गिदवास में, माता आसावर मंदिर अररिया के प्राचीन ठाकुरबाड़ी में, शहर के केंद्र में स्थित भगवान शिव का मंदिर मुस्लिम के लिए जामा मस्जिद है, और क्यूबा मस्जिद शहर के प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। बिहार में कोरोना के मिले 500 से कम मामले। बिहार में कोरोना प्रभावितों की रफ्तार धीमी हो गई है। हालांकि हर रोज पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 247 नए मामले मिले हैं, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,26,916 पर पहुंच गई है। जिसके बाद राजधानी पटना में काफी दिनों बाद 100 से कम मामले सामने आए हैं। मिली जानकारी के अनुसार राजधानी पटना में 89 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं सुपौल में 23 मामले सामने आए हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शिव पूजन सहाय की। शिव पूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 को भोजपुर जिले के उनवास गांव में एक मध्यवर्ग के कायस्थ भूमि के मालिक परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम भोलानाथ था। आचार्य शिव पूजन महाय एक प्रख्यात हिंदी उपन्यासकार, संपादक और गद्य लेखक थे। उनके अपने कामों को परिषद द्वारा शिव पूजन रचनावली के 4 संस्करणों में संकलित और प्रकाशित किया गया था। बाद में उनके संपूर्ण कार्यों को उनके पुत्र मंगल मूर्ति ने 10 संस्करणों में शिव पूजन सहाय साहित्य के रूप में संपादित और प्रकाशित किया। उन्हें स्मारक ग्रंथ के संपादक के लिए 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में 16 नवंबर की तारीख कई कारणों से दर्ज है, जिसके तहत आज ही के दिन 1846 में उर्दू के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के निकट बारा में हुआ था। 1930 में मिहिर सेन का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1973 में भारतीय खिलाड़ी पुल्लेला गोपीचंद का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1996 में मदर टेरेसा को मानद अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हुई थी। भाई बहनों का पवित्र त्यौहार भैया दूज आज। भाई बहनों का पवित्र त्यौहार भैया दूज आज मनाया जाएगा। भाई दूज का पर्व 16 नवंबर सोमवार को रहेगा, और इसी दिन समय 9:11 के बाद बहनें श्रापण की परंपरा का निर्वहन भी करेंगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन यमुना ने अपने भाई यम को अपने घर भोजन कराया था, तथा इस अवसर पर यमलोक में उत्सव भी हुआ था। इस दिन बहन के द्वारा अपने भाइयों को श्रापने की परंपरा है, और पुनः बहनें अपने जिह्वा पर रिंगनी के कांटों को चुभाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन बहन का श्राप भाइयों के लिए आशीर्वाद होता है। 2022 की 10वीं बोर्ड में छात्रों को मिलेगी सहूलियत। 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए अहम सूचना। CBSE की 10वीं बोर्ड परीक्षा में स्किल कोर्स की परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को फायदा देने की बात कही गई है। 10वीं के परीक्षार्थी अपने मुख्य 3 विषय गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में से किसी एक में फेल हो जाते हैं, तो 6ठे विषय के तौर पर लिए गए स्किल सब्जेक्ट से पास करने का विकल्प होगा। फेल सब्जेक्ट के स्थान पर स्किल कोर्स को रिप्लेस कर दिया जाएगा। बोर्ड की नई व्यवस्था 2020 की बोर्ड परीक्षा के जारी रिजल्ट से ही लागू हो गई थी। 2022 बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन में सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। इस व्यवस्था से फेल होने के परीक्षार्थी बच जाएंगे। दिवाली के आतिशबाजी के कारण बिगड़ी पटना की सेहत। दिवाली के दौरान हुई आतिशबाजी ने बिहार के शहरों की दशा बिगाड़ दी है।
बिहार के कई शहर ऐसे हैं जहां प्रदूषण का स्तर अचानक से ऊपर की तरफ बढ़ गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को दिवाली का आयोजन पर बिहार में लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और पटाखे जलाए हैं, जिसका असर रविवार की सुबह देखने को मिला। दिवाली की आतिशबाजी ने राजधानी पटना में सांस लेना मुश्किल कर दिया था। प्रदूषण के मामले में लाल निशान से ऊपर यह पहुंच गया था। पटना समेत अन्य जिलों का भी यही हाल रहा। पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 रिकॉर्ड की गई, जो कि काफी ज्यादा हानिकारक बताई गई है। राज्यपाल फागू चौहान ने एनडीए को सरकार बनाने का भेजा न्योता। बीते दिन बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है, जिसके बाद बिहार में सातवीं बार मुख्यमंत्री पद पर आज नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने विधायकों का समर्थन पत्र स्वीकार करने के बाद एनडीए को सरकार बनाने का न्योता दे दिया है। राज्यपाल से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि हमारे विधायकों के समर्थन पत्र को स्वीकार कर लिया गया है और आज शाम 4:30 बजे शपथ का कार्यक्रम होने वाला है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने कहा कि अभी स्पीकर को लेकर भी कोई चर्चा नहीं हुई है। दरभंगा बस स्टैंड बनेगा स्थानीय एयरपोर्ट का हिस्सा। दरभंगा बस स्टैंड स्थानीय एयरपोर्ट का हिस्सा बनने वाला है, जिसकी घेराबंदी जल्द ही की जाएगी, जिससे कि एयरपोर्ट पर आने वाले वाहनों की पार्किंग ठीक तरीके से हो सके। एयरपोर्ट का विस्तार करने की दिशा में भी सरकार गंभीरता से कदम उठा रही है। जल्द ही 31 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस सिलसिले में हाल ही में स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर ने एयरपोर्ट के स्थानीय निदेशक और डीजीएम के साथ कार्य प्रगति को लेकर बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा को बताया गया था और हाल ही में सरकार चाहती है कि दरभंगा का एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो। छठ पूजा के लिए जारी हुई जरूरी गाइडलाइन। कोविड-19 के माहौल में आस्था के इस महापर्व को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारी लगातार जारी है। बिहार सरकार की तरफ से रविवार को छठ पूजा को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। सरकार की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार अर्घ्य देने के दौरान तालाब में डुबकी नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही छठ घाट पर इस तरीके से बैरिकेडिंग की जाए कि छठ करने वाले लोग डुबकी ना लगा सके। वहीं छठ के दौरान बुखार से ग्रस्त व्यक्ति, 60 साल से ऊपर के व्यक्ति, 10 साल से कम उम्र के लोग और अन्य गंभीर बीमारियों से परस्त व्यक्तियों को छठ घाटों पर नहीं जाने की सलाह दी गई है। तारकेश्वर प्रसाद बने भाजपा विधायक दल के नेता। तारकेश्वर प्रसाद भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए हैं। वहीं दूसरी तरफ रेणु देवी उपनेता चुनी गई हैं। इसके साथ ही भाजपा विधानमंडल दल का नेता उप मुख्यमंत्री रहे सुशील मोदी को बनाया गया है। तारकेश्वर प्रसाद कटिहार से विधायक है, जबकि रेणु देवी बेतिया से चुनी गई है। इसके साथ ही आज बिहार में सातवीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसका औपचारिक ऐलान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर दिया था। उनके साथ दो अन्य मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं। सुशील कुमार मोदी ने डिप्टी सीएम पद से हटाए जाने की कही बात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे सुशील मोदी ने अपना बड़ा बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता का पद कोई छीन नहीं सकता। आपको बता दें, ट्विटर पर सुशील मोदी ने डिप्टी सीएम पद से हटाए जाने की बात को मान लिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा, भाजपा एवं संघ परिवार ने मुझे कई वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना दिया है कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करता रहूंगा। कार्यकर्ता कोई छीन नहीं सकता। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 160 टन बायोमेडिकल वेस्ट निकला। कोविड-19 के माहौल के बीच हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान कर्मियों और मतदाताओं की तरफ से इस्तेमाल किए गए दस्ताने, फेस मास्क और सैनिटाइजर की बोतलों के रूप में लगभग 160 स्टैंड बायोमेडिकल वेस्ट उत्पन्न हुआ है। राज्य के चुनाव अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने 18 लाख फेस शील्ड, 70 लाख फेस मास्क, 5.4 लाख दस्तानों की खरीदारी की थी। इसके साथ ही मतदाताओं के लिए वन टाइम पॉलिथीन के 21 करोड़ दस्ताने खरीदे गए थे। सैनिटाइजर की कुल 29 लाख बोतलें खरीदी गई थी। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि सभी जिलों में उसकी जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान एजेंसी है, जिसके लिए उन्होंने BMW श्रमिकों को नियुक्त किया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण पर उठाए सवाल। बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए सरकार के गठन का दावा पेश किए जाने के बाद कांग्रेस ने तंज कसा है, जिसके तहत कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि बिहार में जिस तरह का मैंडेट फिलहाल नीतीश कुमार के खिलाफ गया है। अखिलेश सिंह ने बताया कि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई वाले जदयू को कम सीटें आई थी और वो भी विपक्ष के तौर पर नहीं। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार का अभी तक ये कहते आए हैं कि वो साफ छवि के व्यक्ति है, पर इस बार ऐसा लग रहा है कि वो भाजपा के दबाव में मुख्यमंत्री बन रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा भी था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं।
शाहनवाज हुसैन ने बिहार में एनडीए सरकार के पूरे 5 साल चलने की कही बात। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सरकार को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेने वाले हैं। वो फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे। केंद्र और बिहार दोनों जगह एनडीए की सरकार बनने वाली है। उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है। बिहार में एनडीए की सरकार पूरे 5 साल चलेगी। बिहार तेजी से तरक्की की राह पर चल रहा है। डबल इंजन की सरकार रहेगी और तेजी से बिहार का विकास होता रहेगा। केंद्र सरकार का हर संभव सहयोग पहले की तरह इस बार भी बिहार के पक्ष में होगा। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिलने पर गिरिराज सिंह ने सुशील मोदी को दी सलाह। भाजपा विधायक दल की बैठक में तारकेश्वर प्रसाद को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है, जिसके बाद सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दी गई है, जिस पर उन्होंने इमोशनल ट्वीट जारी किया था। जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मोदी को सलाह दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। सुशील मोदी की तरफ से जारी किए गए ट्वीट के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उनके ट्वीट को रीट्वीट किया और कहा कि आदरणीय सुशील जी, आप नेता है, उप मुख्यमंत्री का पद आपके पास था, आगे भी आप भाजपा के नेता रहेंगे, पद से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बिहार में चुनाव के दौरान अच्छे प्रदर्शन से खुश है वाम दल। पटना में भाकपा माले ने चुनाव परिणाम के बाद पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बिहार की जनता का धन्यवाद दिया है। साथ ही बिहार में अपने प्रदर्शन पर खुशी जताई है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जनता के अंदर बदलाव का जबरदस्त संकल्प था। सरकार को बदलने के लिए बिहार की जनता और खासकर मतदाताओं की नई पीढ़ी का आक्रोश पूरे चुनाव में देखने को मिला। भाजपा जदयू की लाख कोशिशों के बावजूद बेरोजगारी, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे, स्कीम वर्कर और शिक्षकों के स्थायीकरण आदि सवाल चुनाव के केंद्र में रहे। इस बार जनता ने चुनाव का एजेंडा सेट कर लिया है, लेकिन आज की तारीख में इतना मजबूत विपक्ष कहीं नहीं दिखेगा। राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के सवाल पर कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस आत्मचिंतन में जुट गई है। वहीं कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने अध्यक्ष को लेकर अहम बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राहुल जी को लेकर कोई विवाद नहीं है, उन्हें तैयार होना है। हमें राहुल जी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली। ऐसे नेता कम होते हैं। राज्य में गठबंधन को अंतिम रूप देने में विलंब से नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि हमें उम्मीद थी कि कांग्रेस 70 सीट पर मैदान में उतरी है तो कम से कम 50% सीट जीतेगी। पीएम किसान सम्मान की आखिरी किश्त लेने के लिए फौरन करें कुछ काम। अगर आप भी किसान सम्मान की किश्त के लाभकारी और आपका पैसा आने में दिक्कतें आती है तो आपको बस कुछ आसान स्टेप्स का पालन करना होगा, जिससे किस्त आसानी से आपके बैंक अकाउंट में मंगवा ली जाएगी। पीएम किसान स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाए, इसके फॉरवर्ड कॉर्नर के अंदर जाकर एडिट आधार डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें। आप यहां पर अपना आधार नंबर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद एक कैप्शा कोड डालकर सबमिट करें। अगर आपका केवल नाम गलत होता है, यानी कि एप्लीकेशन और आधार में जो आपका नाम है दोनों अलग अलग है, तो आप इसे ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। अगर कोई और गलती है तो आप अपने लेखपाल और कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने जारी किए 61 नए वॉलपेपर। व्हाट्सएप ने अपने यूजर के लिए बड़ा तोहफा पेश किया है, जिसके तहत अब व्हाट्सएप ने अपने यूजर के चैटिंग एक्सपीरियंस को बदलने के लिए नए वॉलपेपर को लेकर आई है, जिसकी जानकारी व्हाट्सएप ने अपनी तरफ से आधिकारिक तौर पर पेश कर दिया है। जिसके तहत WA Beta Info ने जानकारी दी है कि व्हाट्सएप ने अपने एंड्रॉइड बीटा यूजर के लिए एडवांस वॉलपेपर नाम का फीचर पेश किया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि व्हाट्सएप यूजर अपने हिसाब से चैट के बैकग्राउंड का वॉलपेपर बदल सकते हैं। अब इसके लिए उन्हें 61 नए वॉलपेपर का ऑप्शन जाएगा। मनोज बाजपेयी ने एक्टिंग को लेकर कही अहम बात। बिहार से निकले अभिनेता मनोज बाजपेयी ने हाल ही में अपना बयान एक्टिंग को लेकर जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नवोदित कलाकारों को फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उचित प्रशिक्षण लेना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें माफी की गुंजाइश नहीं है और दूसरा मौका नहीं मिलता। एक्टर ने कहा कि किसी भी अन्य पेशे की तरह एक्टिंग में भी लगातार अपने कौशल को निखारना होता है। इसके तहत उन्होंने आगे कहा कि मैं सबसे कहता हूं कि जितना संभव हो आपको कार्यशालाओं में जाना चाहिए, थिएटर करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, एक्टिंग करने के साथ ही दूसरों को एक्टिंग करते देखना चाहिए। टिम पेन ने विराट कोहली को लेकर कही अहम बात। आगामी सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। 14 दिन के जरूरी क्वारंटाइन पीरियड के बाद 27 नवंबर से दोनों टीम के बीच सीरीज का आगाज होगा। हालांकि सीरीज शुरू होने से पहले ही दोनों टीमों के खिलाड़ियों की तरफ से बयानबाजी शुरू हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन ने कहा है कि विराट कोहली मेरे लिए महज एक खिलाड़ी है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स भारतीय कप्तान कोहली से नफरत से प्रेम करते हैं। अनेक विपक्षियों की तरह वो तूफान की तरह है, लेकिन कोई भी टीम कोहली की उतनी परीक्षा नहीं लेती जितना ऑस्ट्रेलिया। पिछले कुछ सालों से कोहली और ऑस्ट्रेलिया के बीच काफी कड़ी प्रतियोगिता चल रही है, हालांकि इस बार यह मुकाबला पिछले दौरे जितना जबरदस्त नहीं होगा।
अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 16 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,960 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,960 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,600 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.82 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.10 रुपए। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पूजा कुमारी, ऑफिशियल नितेश कुशवाहा, अमरजीत कुमार, सौरभ शर्मा, राजू कुमार, आदित्य राज, राजकुमार, ऋषभ कुमार, मनीष कुमार, राकेश कुमार, विकास कुमार, धीरज कुमार, संजीव प्रिंसिपल, कल्पना प्रियदर्शनी, दिनेश कुमार, नीरज कुमार, सोनू पासवान, शाहबुद्दीन अंसारी, अनिल कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार नीतीश कुमार का बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करवाने और उप मुख्यमंत्री से सुशील मोदी को हटाने के फैसले पर आपकी क्या राय है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।